राधे। आज हम अलसी का लड्डू बनाएंगे। अलसी जैसे उसको तीसी भी बोला जाता है, अलसी भी बोला जाता है, देखिए ऐसी होती है, बाजार में मिल जाती है मार्केट में बोलने से। तो इसको हम गुड़े और तीसी का लड्डू बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और खून भी पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, फैट भी कम करता है, प्लस बहुत अच्छा रहता है। आप ज़रूर बना के खाइएगा। इसका हम लड्डू बनाएंगे। ये चालू करते हैं, इसको गैस को चालू करते हैं। कढ़ाई रख लिए हैं, ये अलसी इसमें डाल लिए हैं, तो इसमें सिकाई कर लेते हैं। मैं इसको सेक के घर में रखती हूँ, भूज के सेक के जो भी आप बोलते हैं सिकाई कर लेते हैं, मतलब तो उसको ऐसे ही चबा के खाते हैं। घर में तो पानी पी लेते हैं, पर गर्मी के दिनों में ऐसे ही खाते हैं, कोई रोटी में डाल के खाता है, कोई कैसे खाता है। तो मैं इसको सर्दियों में इसका लड्डू बनाऊंगी गुड़ का। तो इससे शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहता है, गुड़ भी अच्छा रहता है, प्लस तुलसी भी अच्छी रहती है। तुलसी बोलते हैं इसको, अलसी बोलते हैं, तो ये भी अच्छी रहती है शरीर के लिए, खून को पतला करती है। ज़रूर खाना चाहिए इसको। आप ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा, तब पता चलेगा कैसे क्या बनता है। लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए अब ये सीख के तैयार हो गई है, और सीखने के बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसे एकदम से नाखून से फोड़ के देखिएगा, तो अपना आप ही थोड़ा फिस जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, और थोड़ा सा तिल के जैसे चटकारा भी लेती है। अब ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा ठंडा करना है, थोड़ा पिसाई। ये ठंडा हो गया था, अब मिक्सी में हम थोड़ा पीस लेते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे, जितना हम अलसी लिए हैं, 200 ग्राम अलसी लिए हैं, तो 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है, गुड़ को हम तोड़ लिए थे। अब हम ये ठंडा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दानेदार रखना है, थोड़ा सा अलसी हम गोटा गोटा रखते रहे। देखें ये पीस लिया है, तो पीस लिए हैं। सेकने के बाद में थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है, इसको पीस लिए हैं। मेरा मिक्स हो गया है, हम लड्डू बना के रख लेते हैं इसका। ऐसे छोटे छोटे लड्डू, इसी तरह से सब लड्डू बना लीजिएगा। देखिए हमने इतने लड्डू बना लिए हैं और बनाएंगे। लाइक करिएगा, वीडियो देख के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल घंटी को दबाइएगा। जो सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आती है उसका ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।